हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है पढ़ रहे थे, तो आज उसी सीक्वेंस में हम जो है लेक्चर अपना 3 जो है देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन हमने पिछले के लेक्चरों में नहीं किया है। हमारा हर लेक्चर जो है कुछ नया क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट हमें सिखाएगा, जिससे हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें सॉल्व कर सकें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको जो है मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर जो है मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 6 मेन एंड 8 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 26 मेन एंड 48 बॉयज़ कैन डू द सेम इन 2 डेज, देन द टाइम टेकन बाई 15 मेन एंड 20 बॉयज़ टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मेन एंड बॉयज़ की एफिशिएंसी फाइंड करना है। किसी किसी क्वेश्चन में जो है वोमेन भी दे रखी होगी, तो वहाँ पे जो जितने भी पर्सन और या वोमेन जो भी दिया रहे आप उनकी क्या करिए, एफिशिएंसी फाइंड करिए, और उसके बाद जो है टोटल वर्क का सहारा लेके आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम जो चीज़ मैंने अभी बोला उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 6 मेन। लेट सपोज वन मैन एफिशियंसी इज एम, देन 6 मैन एफिशियंसी इज 6 m, ठीक है, एंड 8 बॉयज प्लस 8 बॉयज। अब बी को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करता है कि एक बॉय पर डे कितना यूनिट वर्क कर रहा है, डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अगर हम इस पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या आएगा, टोटल वर्क डन बाई 6 मैन एंड 8 बॉयज इन 10 डेज। तो ये हमारा कितने के इक्वल होगा, ये हमारा टोटल वर्क के इक्वल होगा। ये हमारा एक्सप्रेशन 1 बन गया। अभी सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, 26 मेन प्लस 48 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। तो ये हमारा कितने के इक्वल होगा, ये भी W के इक्वल होगा क्योंकि वर्क क्या है, सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हम जो है दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हम प्लस 8b इंटू 10 इज इक्वल टू 26 मेन प्लस 48b बॉयज इंटू 2। यहाँ से 2 पंजा 10, ये 30m प्लस 40b इज इक्वल टू 26m प्लस 48b, 4m इज इक्वल टू 8p, m इज इक्वल टू 2b। इट मीन्स दैट मेन इज ए 2 टाइम्स मोर एफिशियंट देन बॉयज, ये हमें यहाँ से मिल गया। अभी हमें क्या बताना है कि हमारे 15 मेन प्लस 20 बॉयज सेम वर्क को कितने टाइम में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15m प्लस 20 इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, एम बाई टू, एम बाई टू। तो ये हमारा कितना हो गया, 25m यूनिट पर डे। जो हमारा 15 मेन एंड 20 बॉयज़ हैं ये 25 × m यूनिट पर डे वर्क जो है करेंगे। तो हमारा टोटल वर्क हम जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक में जो है एम और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 50m एंड प्लस 20b की वैल्यू जो है m के टर्म में लाई है, तो यहाँ जो हमारा टोटल वर्क होगा वो भी हम किस टर्म में लाएंगे, m के टर्म में। तो ले लेते हैं इक्वेशन 1, तो वहाँ से हमें w क्या मिल जाएगा, 6m प्लस 8 इंटू बी इज इक्वल टू m बाई टू टोटल इंटू 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10m इंटू 10 इज इक्वल टू 100m, ये हमारा 100m आ गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना था, टाइम टेकन बाई 15 मेन एंड 20 बॉयज टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो हमारा जो इनके द्वारा टाइम लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क विच इज 100m डिवाइडेड बाई पर डे वर्क डन बाई 15 मेन एंड 20 बॉयज, दैट इज 25m। एम से एम कैंसिल हो गया, 25 × 4 = 100, 4 days। यानी जो 15 मैन एंड 20 बॉयज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, तो हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है
वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी दिखे आपको जो है यही लॉजिक अप्लाई करना है और क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन ए वुमैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमैन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ अ डे। तो हमारा जो मेन है वो जो है 3 डेज में, वुमेन हमारी 4 डेज में, एंड बॉय हमारे कितने दिन में, 12 डेज में गिवन वर्क को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे आप, टोटल वर्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3, 4, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। एम जो है मेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 4 यूनिट पर डे। वोमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 यूनिट पर डे। एंड बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे। हमको ये बताना है वन वोमेन एंड वन मैन में कितने बॉयज जो है मिल जाएं ताकि जो है टोटल वर्क 1/4 ऑफ अ डे में कंप्लीट हो जाए। तो हमारा जो एक मैन प्लस एक वोमेन की एफिशिएंसी क्या है, 4 + 3 7 यूनिट पर डे। लेट्स यक्स बॉयज मस्ट असिस्ट, ठीक है, टू कंप्लीट दी वर्क इन 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, तो एक्स बॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक्स इंटू 1 यूनिट पर डे। तो हमारा टोटल एफिशिएंसी वन मैन वन वुमेन एंड एक्स बॉयज की कितनी हो जाएगी, 7 + 1 यूनिट पर डे, ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। और टोटल वर्क हमारा कितना है, 12 यूनिट है। ठीक है, तो हमारा जो वर्क होना चाहिए 1/4 ऑफ अ डे में कंप्लीट होना चाहिए। तो यानी अगर हम 7 + x × 1/4 करेंगे तो हमारा वर्क कितना आना चाहिए, 12 यूनिट आना चाहिए, तभी तो हमारा जो है 1/4 में जो है वर्क कंप्लीट होगा 1/4 ऑफ अ डे में। तो यहाँ से हम 7 + x = 48, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 41। तो हमारा जो 41 बॉय मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वोमेन टू कंप्लीट दी वर्क इन 1/4 ऑफ अ डे। तो हमारा ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, देन हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज। तो यहाँ से जो 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, तो यहाँ पे जो 10 मैन एंड 20 बॉयज दोनों के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो सेम है सेम टाइम में। तो यहाँ पे जो 10 मैन की एफिशिएंसी होगी वो हमारे 20 बॉयज की एफिशिएंसी के इक्वल होगी। तो वन मैन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बॉयज की एफिशिएंसी, ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। अभी हमें बताना है हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें 8 मैन एंड 4 बॉयज के द्वारा कितना मैच 20 डेज में बनाया जाएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8 m is equal to 2b + 4b, ये कितना हो गया आपका, 20b। 20b मीन्स यूनिट पर डे। एम एंड बी क्या है, एफिशिएंसी है मैन और बॉयज़ की। 20 × b यूनिट पर डे वर्क जो है 8 मैन एंड 4 बॉयज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो हमें जो 20 डेज में कितने मैट्स बनाएंगे ये बताना है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है 20 बॉयज 20 डेज में 260 मैट्स बना रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में हमें बताना है 8 मैन एंड 4 बॉयज 20 डेज में कितना मैट्स बनाएंगे। तो 20 बॉयज 20 डेज में कितना मैट्स बनाएंगे, 260 ही तो बनाएंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दे रखा है, 20 बॉयज 260 मैट्स बना रहे हैं 20 डेज में। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, वन मैन एंड वन वोमैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन वन वोमैन अलोन कंप्लीट द वर्क। लेट्स
एम एंड डब्ल्यू डिनोट एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वोमेन, देन एम वन इंटू एम प्लस वन इंटू डब्ल्यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. इन 8 days वर्क विल गेट कंप्लीट. ठीक है, और वन मैन कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर रहा है अलोन? 10 days में. तो यहाँ से हम जो है टोटल वर्क निकाल लेंगे. टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 8, 10 विच इज इक्वल टू 40 यूनिट. देन ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट पर डे. और ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट पर डे. एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू. फ्रॉम वन एंड टू हमको डब्ल्यू क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट मिल जाएगा, 1 यूनिट पर डे. टोटल वर्क हमें पता है और हमें ओमेन की एफिशिएंसी पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि एक ओमेन अलोन अगर वर्क को कंप्लीट करती है तो कितना टाइम लगी. तो टाइम टेकन बाय वन ओमेन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ओमेन. तो टोटल वर्क हमारा 40 यूनिट है और एफिशिएंसी कितना है? 1 यूनिट पर डे. तो 1 से 40 ये हमारा आ जाएगा 40 डेज. यानी अगर एक ओमेन अलोन वर्क करेगी तो सेम वर्क जो है 40 डेज में वो कंप्लीट कर लेगी. तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आ सकते हैं. ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए. यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 men and 8 women कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, देन 3 men and 4 women कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज. हम यहाँ पे क्या मानते हैं? लेट्स एम एंड डब्ल्यू डिनोट एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वोमेन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 men plus 8 women वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रही हैं? 10 डेज में. ठीक है, हमें बताना है 3 women plus 4 women वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगी. तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर आप मान लीजिए एक्सप्रेशन वन है, अगर आप एक्सप्रेशन वन को लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा? 3m plus 4w, ये हमारा 10 डेज ही रहेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 women and 4 women plus 4 women वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगी. तो यहाँ पे जो है हमारा जो वर्क फोर्स था, वर्क फोर्स पहले 6m plus 8w था, अभी क्या कर दिया? वर्क फोर्स हमारा हाफ कर दिया. अगर वर्क फोर्स हाफ हो गया तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. क्योंकि पहले अगर 10 यूनिट पर डे वर्क हो रहा था, अभी क्या किया आपने? 5 यूनिट पर डे वर्क होने लगा. तो जो पहले अगर 4 डे लगता था तो अभी कितना लगेगा? 8 डे लगेगा. इस केस में जो है 4 डेज में कितना वर्क हो रहा है? 40 यूनिट. और यहाँ पे 8 डे में कितना वर्क हो रहा है? 40 यूनिट. तो अब क्या देखते हैं, अगर हमारा वर्क फोर्स हाफ होगा तो हमारा नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएगा. अगर वर्क फोर्स 1/3 होगा तो हमारा नंबर ऑफ डेज 3 टाइम हो जाएगा. ठीक है, ये रिलेशन होता है. तो यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 2 times of 10 ये 20 डेज. 20 डेज में हमारा वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखना था? आपको फैक्टर लेना था एक्सप्रेशन वन में. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनते हैं और आगे बनते रहेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 6 है, इफ 4 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 hours a day, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कम्प्लीट अ वर्क ट्वाइस एज लार्ज विथ 10 men and 3 women वर्किंग टूगेदर 8 hours a day. क्वेश्चन में दिया है जो हमारे 4 men हैं और 6 women ये सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं 12 डेज वर्किंग 7 hours a day. तो यहाँ पे 4 men की एफिशिएंसी जो है 6 women के वर्क की एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से 2m = 3w ये हमारा एक्सप्रेशन 1 बन गया, वेयर
एम एंड डब्लू डिनोट एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एंड आवर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जो है याम डी टी डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रिलेशन यूज करेंगे। तो 10 मैन प्लस 3 वुमेन ये कितने के इक्वल है, 10 इंटू एम को हम क्या लिख सकते हैं, 3W डिवाइड बाई 2 प्लस 3W, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 18W यूनिट पर डे। एक्सप्रेशन एम डी टी डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करके हम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड हम वो जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 6 इंटू 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 18 इंटू डी हमको फाइंड आउट करना है इंटू 8 डिवाइड बाई डब्लू 2। डब्लू 2 क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा क्योंकि हम फर्स्ट केस में सपोज कर रहे हैं टोटल वर्क हमारा क्या है 1 यूनिट है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8। तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे, 4 तिहाई 12 तिछाक 18 छः कट गया, ये हमारा कितना आ गया 7 डेज। इट मीन्स दैट 10 वुमेन एंड 3 वुमेन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 7 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप कोर्स को लाइक कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप कोर्स को जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन 7 है, ए मैन इज ए ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमैन एंड अ वुमैन इज ए ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय इन डूइंग अ वर्क, इफ ऑल ऑफ देम अ मैन अ वुमैन एंड अ बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 7 डेज देन इन हाउ मैनी डेज अ बॉय विल डू इट अलोंग। तो हमारा जो मेन है, मान लेते हैं लेट एम डब्ल्यू एंड बी डिनोट एफिशिएंसी ऑफ मेन वुमेन एंड बॉय, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये हम जो है ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन है, ये हमारा एक्सप्रेशन 1। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, वुमेन जो है हमारी ट्वाइस एज फास्ट एज बॉय इन डूइंग वर्क, तो ये हमारे 2 एक्सप्रेशन मिल गए। अभी हमको बताना है एम प्लस डब्ल्यू प्लस बी जो हमारे हैं ये 7 डेज में टोटल वर्क को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 2W प्लस डब्ल्यू प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा W बाई 2। आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 7 बाई 2W यूनिट पर डे। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 7 बाई 2W इंटू 7, ये हमारा जो 49 बाई 2W यूनिट, ये क्या है हमारा टोटल वर्क हो गया। हमको बताना है कि हाउ मेनी डेज अ बॉय विल डू इट अलोन, अगर हमारा एक लड़का जो है इस पूरे वर्क को करे तो कितना टाइम लेगा, हमें जो है टाइम टेकन बाई बी टू कम्प्लीट द एंटायर वर्क अलोन निकालना है। तो टी वी इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज अ 49 बाई 2W डिवाइडेड बाई पर डे वर्क डन बाई बी, बी लिखेंगे, तो हमारा 49 बाई 2W बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, W बाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ से W कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 49 डेज। तो अगर हमारा बॉय जो है अलोन वर्क करेगा तो 49 डेज में एंटायर वर्क को जो है कंप्लीट कर लेगा, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं, तो अगर आपने जो है ये पूरा 9-10 क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है एग्जाम में आने वाले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 वोमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड वोमेन इज, हमको जो है रेशियो बताना है मैन एंड वोमेन की कैपेसिटी की। कैपेसिटी मीन्स हो गया एफिशियंसी, मीन्स पर डे वो कितना वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 20 वोमेन, अगर डब्ल्यू हम मानते हैं वोमेन की एफिशियंसी है एंड एम जो है मैन की एफिशियंसी है, देन 20W × 16, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 16 AM × 15, ये भी क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। तो हमने जो है टोटल वर्क को क्या किया है दोनों साइड इक्वेट कर दिया है, तो यहाँ से हमको W और M में रिलेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो 4W = 3M हो जाएगा। तो यहाँ से मैन एंड वोमेन के बीच रेशियो क्या आ जाएगा आपका 4:3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ हर हर कोई कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दम है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम चांस से किया है। लेकिन सीजीएल के प्री में जो है 2016 में आया था तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी एग्जाम का जो टाइम है वो बहुत कम हो गया है। 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। SSC इज अनप्रेडिक्टेबल, SSC कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। SSC में जब मल्टीप्लीकेशन पूछा जा सकता है तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 8 children and 12 men कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। इच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाई अ मैन टू फिनिश द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल 12 men फिनिश द सेम वर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, टाइम एंड एफिशियंसी रेशियो ऑफ एफिशियंसी इज यूनिवर्सली रिलेटेड टू टाइम रेशियो। अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए एंड बी, और इनके बीच जो टाइम का रेशियो है, जो टाइम इनके द्वारा लिया जा रहा है किसी और को कंप्लीट करने में, वो 4:2 में लिया जा रहा है, 4:3 ले लीजिए, देन इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में होगी, 3:4, मीन्स इनवर्सली रिलेटेड है। जो पर्सन पर्सन ये जो है 4 यूनिट टाइम ले रहा है, पर्सन भी 3 यूनिट टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो पर्सन ए 4 यूनिट टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है जिसके कारण वो अधिक टाइम ले रहा है, और पर्सन बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है जिसके कारण बस वो कम समय में का वर्क जो है कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करके अपने नोट्स में लिख लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है टोटल वर्क क्या लिखेंगे, टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा 8 चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन के द्वारा पर डे वर्क एंड 12 मैन, एम हमारा क्या डिनोट करेगा, पर डे वर्क डन बाय मैन, ठीक है। तो हमारा 8C + 12 मैन जो है कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, 9 डेज में। 8C + 12 M हमारा क्या है, यूनिट पर डे। अगर इसको हम नंबर ऑफ डेज 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 है हमारा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या देगा हमको, टोटल वर्क देगा, और टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 8C + 12 M × 9 यूनिट। अभी हमारा टाइम का रेशियो दिया है हमें, टाइम रेशियो सी लिखे चाइल्ड एंड टाइम टेकन बाय मैन। तो यहाँ जो चाइल्ड टाइम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 2 यूनिट्स, और मैन जो ले रहे हैं 1 यूनिट। मैन के ट्वाइस वर्क जो है चाइल्ड ले रहे हैं, मैन के ट्वाइस टाइम जो है चाइल्ड ले रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने में। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 9 8C + 12 M = 2C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको एफिशिएंसी का रेशियो मालूम चल गया है, M:C = 2:1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2C। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 32C यूनिट टोटल वर्क हो गया। और हमको बताना है 12 मैन फिनिश द सेम वर्क, 12 मैन अगर सेम वर्क करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो मान लीजिए टी हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है 12 आदमियों के द्वारा वर्क कंप्लीट करने में
लिया गया समय है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बी चीज है 9 × 32 सी डिवाइडेड बाय पर डे वर्क डन बाय 12 मैन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 m हो जाएगा। तो यहाँ से 9 × 32 सी 12 × m इज इक्वल टू 2 c, सी से सी हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना हो गया 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 16 × 144 12 ब्रह्म 144, तो हमारा जो 12 डेज है ये हमारा टाइम हो जाएगा 12 आदमियों के द्वारा वर्क को कंप्लीट करने में। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।